कुछ लोग आपकी कदर इसलिए नहीं करते क्योंकि पता है उन्हें कि उनके बिना आप नहीं रह सकते। कहते हैं प्यार की शुरुआत आंखों से होती है, पर यकीन मानो प्यार की कीमत भी आंखों को ही चुकानी पड़ती है। जिंदगी में उस इंसान को कभी मत खोना जो गुस्सा करके भी फिर से तुम्हारे पास आ जाए। बात न करने से मोहब्बत खत्म नहीं हो जाते, मगर मोहब्बत तब खत्म हो जाता है जब ऐसा हो जाए कि हमेशा रिश्तों को बचाने की कोशिश एक तरफा से ही हो। रात को रो रो कर सोना, सुबह उठकर किसी को महसूस न होने देना मोहब्बत या हुनर भी सिखा देती है। कभी कभी उनसे भी दूर होना पड़ता है जिसके साथ हम पूरी जिंदगी गुजारना चाहते हैं। वो फदाल लड़कियों की निशानी है, वह तुमसे वक्त मांगेगी दौलत नहीं। प्यार और परिंदा दोनों को आजाद छोड़ दो, लौट आया तो तुम्हारा और ना आया तो तुम्हारा था ही नहीं। जो इंसान अपनी मोहब्बत बचाने के लिए हाथ तक जोड़ ले उसकी मोहब्बत कभी झूठी नहीं हो सकती। किसी को पाना या खोना इश्क नहीं है, किसी का होकर रह जाना इश्क है। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता क्योंकि आपको कब कहाँ किससे मिलना है या ऊपर वाला ही तय करता है। खाना हो या मोहब्बत, अगर किसी को जरूरत से ज्यादा दे तो वह अधूरा ही छोड़ जाता है। जिस इंसान के बिना हम एक पल भी नहीं रह सकते, ज्यादातर वही इंसान हमें अकेले रहना सिखा देता है। सुकून जिसकी बातों से मिलता है उसकी खामोशी मार डालती है। किसी के इतने करीब भी मत जाओ कि उसे तुम्हारी दूरी अच्छी लगनी लगे। बिना मतलब के कोई भी आपको इज्जत नहीं देता, इसलिए खुद को इतना सफल बनाओ कि बिना मतलब के लोग भी आपकी इज्जत करें। नींद भी लीलाम हो जाती है दिलों की महफिल में जनाब, किसी को भूल कर सो जाना इतना आसान नहीं होता। एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी बुद्धिमान होने का दावा नहीं करता और एक मूर्ख व्यक्ति कभी ये नहीं मानता कि वे मूर्ख हैं। अकेले रहने की आदत होनी चाहिए क्योंकि कोई हमेशा साथ नहीं रहता। उन्हीं लोगों को क्रोध सबसे ज्यादा आता है जो अपने मन की पीड़ा को किसी और से कह नहीं पाते। कड़वा तो लगेगा पर हकीकत है, आज के दौर में लोग औकात देखकर ही रिश्ते बनाते हैं। पूरी दुनिया घूम लो पर जो सुकून घर में मिलता है वो और कहीं नहीं मिलता। छोड़ दो कोशिशें इंसानों को पहचानने की, यहाँ जरूरत के हिसाब से सब नकाब बदलते हैं। किसी का धन देखकर नहीं उसका मन देखकर उससे जुड़ना चाहिए। छोड़कर जाने वाले ने एक बात सिखाई है कि आने वाले को औकात में रखना। रफ्तार दुगुनी हो जाती है जब जिंदगी दांव पर लगी होती है। कभी ऐसा हुआ है कोई मिला, प्यार हुआ, बात हुई, आदत हुई, लड़ाइयाँ हुई, बातें बंद हुई, धोखा मिला, वो छोड़ गया और तुम टूट गए। औरों के दम पर उड़कर दिखाओगे तो अपने दम पर उड़ने का हुनर भूल जाओगे। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि कोई उसे पसंद नहीं करता, बल्कि वो अकेला इसलिए है क्योंकि उसने दुनिया की औकात जान ली है। जब दर्द सहने की आदत हो जाए तो आंसू नहीं आया करते। जिंदगी के रिश्ते इसलिए भी नहीं सुलझ पाते क्योंकि कुछ लोग गैरों की बातों में आकर अपने से उलझ जाते हैं। खुद का दर्द खुद से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। जो सुख में साथ दे वो रिश्ते होते हैं, जो दुख में साथ दे वो फरिश्ते होते हैं। वह लौट आया है मनाने को, शायद अजमा चुका है पूरे जमाने को। निभाने वाला आपकी हजार गलतियां भी माफ कर देता है और छोड़ने वाला बिना गलती के भी छोड़ जाता है। कपड़े और चेहरे तो अक्सर झूठ बोला करते हैं, इंसान की असलियत तो वक्त बताता है। जिंदगी में कभी एक गलत रिश्ता हार कर सुख मत करना क्योंकि जिस रिश्ते में हमारे जज्बातों की कदर ना हो उस रिश्ते के पीछे पागल होना प्यार नहीं बेवकूफी है। अगर रिश्ते में गहराई रखो तो बस इतना रखना कि तुम्हें अपने आप को कभी गिरवी ना रखना पड़े, क्योंकि हम जिसे मुफ्त में मिल जाते हैं अक्सर वही लोग हमारी कदर ना करके हम पर अपना हक समझते हैं। जिंदगी में लोगों का आना भी एक अलग मकसद होता है। कुछ लोग तुम्हें अजमाएंगे तो कुछ तुम्हें इस्तेमाल करेंगे, कुछ जीने का सही मतलब सिखा देंगे। मिला तो बहुत कुछ है इस जिंदगी में, बस हम गिनती उसी की करते हैं जो हासिल ना हो सका। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान की जुबान ही कराती है। जिंदगी की हर ठोकर ने बस एक ही सबक सिखाया है, रास्ता कैसा भी हो सिर्फ अपने पैरों पर ही भरोसा रखो। जरूरी नहीं कि कुछ गलत करने से ही दुख मिले, हद से ज्यादा अच्छे होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। जिससे उम्मीद हो अगर वही दिल दुखा दे तो पूरी दुनिया से भरोसा उठ जाता है। वहम मत पालो कि हर रिश्ते खास होते हैं, कुछ अपने दिखने वाले भी धोखेबाज होते हैं। जीवन में आपको रोकने टोकने वाला कोई है तो उसका एहसान मानिए क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते तो बाग जल्दी उजड़ जाते हैं। कोई तारीफ करे तो तुरंत नाचने मत लग जाइए, याद रखिए तारीफ के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। जब किस्मत और हालात खराब हो तो बहुत कुछ सुनना और सहना पड़ता है। जिंदगी में सब लोग दोस्त या रिश्तेदार बनकर नहीं आते हैं,
कुछ लोग सबक बनकर भी आते हैं। ये जो आपके आसपास भीड़ है, इसको कुछ ना कुछ मतलब है आपसे। जिस दिन मतलब निकल जाएगा, उस दिन आप बिल्कुल अकेले रह जाओगे। लोग आपको नहीं, आपके अच्छे वक्त को अहमियत देते हैं। जिंदगी में कभी किसी को दोस्त मत दीजिए। अच्छे लोग खुशियाँ लाते हैं और बुरे लोग तजुर्बा दे जाते हैं। सबसे बेहतर बनने के लिए आपको खराब से खराब हालातों से लड़ना पड़ेगा। जिंदगी में एक बात तो तय है कि तय कुछ भी नहीं है। लोग कहते हैं कि तुम इतना खुश कैसे रहते हो। मैंने कहा कि हम किसी की खुशी को देखकर जलते नहीं और अपना दुख किसी को बताते नहीं। प्रेम यदि पक्का हो तो विवाद चाहे कितना भी गहरा हो, लेकिन रिश्ता कभी नहीं टूटता। चुप रहना कुछ कहने से बेहतर है, अगर सामने वाला आपको समझता ही ना हो। कोई किसी का साथ नहीं देता, सब बस अपने अपने मतलब के लिए साथ रहते हैं। जिस दिन तुम्हें फर्क पड़ना बंद हो जाएगा, उसी दिन सबको फर्क पड़ेगा। जब कोई ना समझे तो तन्हा बैठकर खुद को समझाना ही बेहतर होगा। कोई तुम्हारे नखरे भी तब तक उठाता है जब तक वह तुम्हारा फायदा ना उठा ले। मत किया कर ये दिल किसी से इतनी मोहब्बत। जो लोग बात नहीं करते वह प्यार क्या करेंगे। कटी हुई टहनियाँ कहाँ छाँव देती है। हद से ज्यादा उम्मीदें हमेशा घाव देती है। टाइम मिलने पर बात करने में और टाइम निकाल कर बात करने में बहुत फर्क होता है साहब। माफी मांगने वाले हमेशा गलत नहीं होते। कुछ लोग इसलिए झुक जाते हैं ताकि रिश्ते सलामत रहे। दिल छोटा नहीं करते दोस्त, जो गया उसे जाने दो। फिक्र होती तो जिक्र जरूर करता। करीब इतना रहो कि रिश्तों में प्यार रहे, दूर भी इतना रहो कि आने का इंतजार रहे। दर्द प्यार करने से नहीं मिलता, गलत व्यक्ति से प्यार करने पर मिलता है। जिसको रिश्ता निभाना होता है ना, वो आपकी हजार गलतियां भी माफ कर देता है। और जिसको नहीं निभाना होता है ना, वो आपकी एक छोटी सी गलती पर भी साथ छोड़ देता है। रिश्ते निभाकर या जान लिया हमने, माँ बाप के सिवा कोई अपना नहीं होता। कुछ लोगों में यह काबिलियत भी होती है, आप कितनी भी अच्छी बात कहो, वह उसमें बुराइयां खोज ही लेते हैं। एक बात याद रखना, कोई आपके हाथ से छीन सकता है, लेकिन आपके नसीब से नहीं। बिना किताबों के जो पढ़ाई सीखी जाती है, उसे ही जिंदगी कहते हैं। जो रिश्ते दिलों में पला करते हैं, वही चला करते हैं। वरना आंखों को पसंद आने वाले तो रोज बदला करते हैं। यह बात दिमाग में बैठा लो, जिंदा हो तो निंदा भी होगी, क्योंकि तारीफें तो मरने के बाद हुआ करती है। माना कि जिंदगी की राहें आसान नहीं, मगर मुस्कुरा के चलने में कोई नुकसान नहीं। कभी कभी बहुत सी बातें करनी होती है, मगर सुनने वाला कोई नहीं होता। जितना भीड़ बढ़ रही है जमाने में, लोग उतने ही अकेले होते जा रहे हैं। गरीबों का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि गरीब होने में वक्त नहीं लगता। लाख किसी को प्यार दे दो, पर जिसने धोखा सीखा है वह धोखा ही देगा। कभी जिंदगी में बुरे दिन से रूबरू हो जाओ तो इतना हौसला जरूर रखो कि दिन बुरा था, जिंदगी नहीं। जीवन के प्रति जिस व्यक्ति की कम से कम शिकायत है, वही जगत में अधिक से अधिक सुखी है। शिकायत करने से खामोश रहना बेहतर है। जब किसी को फर्क ही नहीं पड़ता तो शिकायत कैसी। नजर अपनी कमियों पर भी रखो, हमेशा सामने वाला गलत नहीं होता। दर्द दो तरह के होते हैं, एक दर्द आपको दर्द देता है और दूसरा दर्द आपको बदल देता है। रिश्तों के बाजार में अक्सर वही लोग अकेले रह जाते हैं जो दिल और जुबान के पक्के होते हैं। हर रिश्ते में मुनाफा मत खोजिए, कुछ रिश्ते सुकून भी दे जाते हैं। अहंकार से भरा व्यक्ति दूसरों को नीचा दिखाकर प्रसन्न होता है। मौन और मुस्कान दो शक्तिशाली शब्द है। मुस्कान कई समस्याओं को हल करने का तरीका है और मौन कई समस्याओं से बचने का तरीका है। क्या फायदा रोने से, जो प्यार नहीं समझ सकते वह दर्द क्या समझेंगे। मन में उतरना और मन से उतरना केवल व्यवहार पर निर्भर करता है। जो जैसा है उसे वैसा ही अपना लो, रिश्ते निभाने आसान हो जाएंगे। तुम धोखा खा लो, लेकिन धोखा मत देना, क्योंकि इंसान धोखा खा लेने से कुछ नहीं खोता, लेकिन धोखा देने से सब कुछ खो देता है। हर रिश्ता एक पक्षी की तरह होता है। अगर आप उसे कस कर पकड़ लेते हैं तो वह मर जाता है। अगर आप उसे ढीला पकड़ते हैं तो वह उड़ जाता है। लेकिन अगर आप उसे प्यार से पकड़ लेते हैं तो वह हमेशा आपके साथ रहता है। केवल पैसों से ही इंसान धनवान नहीं होता। असली धनवान वह होता है जिसके पास अच्छी सोच, मधुर व्यवहार और सुंदर विचार होते हैं। रिश्ते और रास्ते तब खत्म हो जाते हैं जब पाँव नहीं दिल थक जाते हैं। ऐसा सुख बेकार है जिसमें उलझकर व्यक्ति परमात्मा का सुमिरन करना ही भूल जाए। उससे तो वह दुख लाख गुना अच्छा है जिसकी वजह से व्यक्ति पल पल परमात्मा का सुमिरन करता है। सुई जब चलती है तो बेहतरीन पोशाक बनाती है। हर चुभने वाली चीज का मकसद
बुरा नहीं होता। जीवन में जो लोग साथ रहकर छल करे, धोखा दे, चुगली करे, बातों को गलत तरीके से किसी के सामने रखे, उसका साथ छोड़ देना ही बेहतर होता है। कभी गिर जाओ तो खुद ही उठ जाना, क्योंकि लोग सिर्फ गिरे हुए पैसे उठाते हैं, इंसान नहीं। जो होकर भी ना हो उसका होना कैसा, अगर रिश्ता बस नाम का हो तो रोना कैसा। सिर्फ एक वादा अपने आप से जिंदगी भर निभाना, जहाँ आप गलत ना हो वहाँ सर मत झुकाना। रिश्तों में झुकना कुछ गलत नहीं, सूरज भी तो ढल जाता है चांद के लिए। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, मगर क्रोध आने पर चुप रहने के लिए बहुत ताकत चाहिए। दूसरों के साथ वह व्यवहार ना करो जो तुम्हें अपने लिए पसंद ना हो। कुछ सहन करना भी सीखना चाहिए, क्योंकि हम में भी ऐसी बहुत सी कमियां हैं जिन्हें दूसरे सहन करते हैं। जो देते नहीं थे जवाब उसके भी सलाम आने लगते हैं। वक्त बदलता है तो नीम पर भी आम आने लगते हैं। आपके खुशियों में वह लोग शामिल होते हैं जिन्हें आप चाहते हैं, लेकिन आपके दुख में वह लोग शामिल होते हैं जो आपको चाहते हैं। किसी एक जगह बहुत ही सुंदर सुविचार लिखा था, दुनिया में अगर कुछ छोड़ने जैसा है तो दूसरों से उम्मीद छोड़ दो। वजह चाहे कोई भी हो, धोखा धोखा ही होता है। दुनिया कभी आपको चढ़ाएगी और कभी आपको गिराएगी, दुनिया का काम ही यही है। लेकिन आपको इन बातों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अहंकार की बस एक खराबी है, या कभी आपको महसूस ही नहीं होने देता कि आप गलत हैं। बुरे लोगों की संगत से ज्यादा लाभदायक अकेलेपन होता है। रात नहीं होगी तो सुबह का महत्व नहीं होगा, दुख के बादल नहीं आएंगे तो सुख का अनुभव ही नहीं होगा। कोई भी इंसान खुद को बदलना नहीं चाहता, किसी को प्यार तो किसी को नफरत बदल देती है। जिस दिन लोगों को पता चल जाएगा कि आपकी जेब में पैसा नहीं है, उस दिन आपको पता चल जाएगा कि लोग आपसे कितना लगाव रखते हैं। उम्मीद ज्यादा रखोगे तो दिल भी ज्यादा दुखेगा। खुश रहना है तो अपनी फितरत में एक बात शुमार कर लो, ना मिले कोई अपने जैसा तो खुद से ही प्यार कर लो। जीतने वाला ही नहीं बल्कि कहां पर क्या हारना है यह जानने वाला भी सिकंदर होता है। शांति की इच्छा हो तो पहले इच्छा को शांत करो। सफलता की खुशी मनाना अच्छा है, उससे भी ज्यादा जरूरी है असफलता से सीख लेना।